स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम टुडेज करंट अफेयर, दैट इज ऑल अबाउट 30 अप्रैल की आज हम न्यूज डिस्कस करने वाले हैं. दिस लेक्चर फॉर यू इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय सेल्फ आर्ची साहनी. सबसे पहला जो हमारी न्यूज आती है दैट इज अबाउट राजा रवि वर्मा. बेसिकली इनकी एक बर्थ एनिवर्सरी, अभी 29 अप्रैल को बर्थ एनिवर्सरी निकली है राजा रवि वर्मा की. तो हम ये जानेंगे कि ये थे कौन. इन्होंने बहुत ही ज्यादा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है जब अपन बात करते हैं इंडिया के वेस्टर्न और क्लासिकल म्यूजिक की, जो अपन चैंटिंग करते हैं, भजन गाते हैं, उन सब चीजों में इन्होंने अपना बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है. ठीक है, इन्होंने बहुत ज्यादा अफोर्डेबल चीजें की है, मतलब लिथोग्राफ्स जो राइटिंग मटेरियल्स होते हैं उन्होंने एसेसिबल कराया पुअर्स के लिए. और उन्होंने सबसे पहले जो है प्रेस, मुंबई में अपनी प्रेस स्टार्ट की थी और उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने वो मुंबई वाली प्रेस को लोनावला शिफ्ट कर लिया था. तो बेसिकली इनका जो है इंडियन म्यूजिक सिस्टम से, जो है इंडिया के कल्चर या क्लासिकल सिस्टम से बहुत ज्यादा लिंकअप होता है ना. तो दिस इज ऑल अबाउट राजा रवि वर्मा. नेक्स्ट है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक. अब बेसिकली ये न्यूज में क्यों है, बिकॉज अभी रिसेंट में अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से 1.5 बिलियन का लोन लिया है. बिकॉज मतलब क्यों, क्योंकि अभी COVID-19 का इतना ज्यादा प्रकोप है, इतना ज्यादा वहां पे इन्वेस्टमेंट लग रहा है, तो इसीलिए कि हमें फंड की प्रॉब्लम ना हो इसलिए पहले से ही लोन ले लिया. तो इसे बोला जा रहा है केयर्स प्रोग्राम के थ्रू, लाइक COVID-19 एक्टिव रिस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट प्रोग्राम, जहां पे भी इस अगर कोविड से रिलेटेड जो है फंड लिया जा रहा है, लोन लिया जा रहा है, तो उसे कोविड केयर प्रोग्राम के अंडर रखा जा रहा है. अब हम बात कर लेते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की. तो बेसिकली एशियन डेवलपमेंट बैंक एक रीजनल बैंक है जो कि 19 दिसंबर 1966 में जो है बना. ओके, और जो जिसका हेडक्वार्टर है ऑर्टिगेस सेंटर लोकेटेड इन द सिटी ऑफ मंदालुंग, मतलब मनीला फिलिपाइंस में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है. राइट, तो चलिए ये थी हमारी एशियन डेवलपमेंट बैंक की न्यूज. अब हम इसके बाद बात करते हैं इम्यूनिटी पासपोर्ट. इम्यूनिटी पासपोर्ट करके एक मतलब जो है बहुत ज्यादा वर्ड जो है कीवर्ड जो है बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है. तो बेसिकली मैं आपको इन शॉर्ट या सरल शब्दों में यही समझाना चाहूंगी कि जो लोग कोविड, जिनको पॉजिटिव पहले वो पाए गए और उसके बाद जो है वो अब उन्होंने इस जंग ये लड़ाई लड़के अब वो राइट नाउ दे आर फाइन, दे आर फिट. जैसे वही लोग जो है अपना प्लाज्मा भी डोनेट करने का बोल रहे हैं, तो उन लोगों के पास एक पासपोर्ट या आइडेंटिटी, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है ना, इस टाइप से एक आइडेंटिटी कार्ड काइंड ऑफ हो, ताकि ये पता चले कि अच्छा ये लोग इम्यून हो चुके हैं, इनका जो है प्लाज्मा बहुत स्ट्रांग है, इनकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है. तो बेसिकली इसलिए जो है इम्यूनिटी पासपोर्ट या फिर इसको बेसिकली बैक टू वर्क पासपोर्ट कहा जा रहा है. लेकिन WHO का कहना है कि ये ह्यूमिलिएटिंग है, ये और लोगों के लिए जिनका इम्यूनिटी अच्छा नहीं होगा या COVID-19 की वजह से जो फाइट करते करते जिनकी डेथ हो जाएगी, तो उनके लिए ये निगेटिव रिपरकॉशंस लेके जाएगा. राइट, तो इसीलिए अभी मतलब डिस्कशन चल रहा है कि वेदर वी हैव टू प्रोवाइड इम्यूनिटी पासपोर्ट काइंड ऑफ थिंग्स टू पीपल और नॉट. राइट, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है USCIRF, बेसिकली US कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रीजनल फ्रीडम. इन्होंने अभी एक रिपोर्ट रिलीज की है रीजनल फ्रीडम के ऊपर, रिपोर्ट 2020. तो बेसिकली ये तो ठीक है रीजनल फ्रीडम के ऊपर ये बात करती है, तो हम ये देख लेते हैं USCIRF है क्या. ये एक इंडिपेंडेंट जो है फेडरल बॉडी है, US कांग्रेस इसे मॉनिटर करता है, जैसे कि हमारा नहीं हमारी मिनिस्ट्रीज है, ऐसे ही जो है यहाँ की ये बॉडी है और रिपोर्ट पब्लिश करता है थ्रेट टू रिलीजियस फ्रीडम अब्रॉड. मतलब अब्रॉड में जो है बेसिकली अपने जो सिटीजन्स या उनके जो लोग बाहर हैं और उनके क्या रिलीजन्स है उनको देखता है, लेकिन वर्ल्ड फेमस हो चुका है इसीलिए ये जो USCIRF को आज हम पढ़ रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. उसके बाद अभी रिसेंट में एक डिजिटल जो है क्लाइमेट हुई है, वर्चुअल क्लाइमेट हुई है, दैट इज ऑल अबाउट पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग. ये क्लाइमेट डायलॉग बेसिकली क्लाइमेट को जागरूक करने के लिए 28 अप्रैल को हुई, जिसे सब मतलब सबसे पहले जो है जर्मनी ने, पिट्सबर्ग वैसे भी सिटी है जर्मनी की, तो होस्टेड जर्मनी ने किया था. सिंस 2020 से ही ये जर्मनी ही होस्ट करता है, ठीक है, और ये जर्मनी की जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट नेचुरल कंजर्वेशन बिल्डिंग एंड न्यूक्लियर सेफ्टी है वो इसे बेसिकली इनिशिएट करती
करती है ना। और इसका मेन कारण मतलब जो मेन इसका एम है दैट इज टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर इनफॉर्मल हाई लेवल पॉलिटिकल डिस्कशन, जिसमें कि हम क्लाइमेट नेगोशिएशन और एडवांसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज उन्नति दोनों पर ध्यान दे सके। जलवायु को अंतर्राष्ट्रीय प्रदान कराना, अंतर्राष्ट्रीय मतलब लोगों को जागरूक करना और उस पर कार्रवाई करना ही पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग का एक अल्टीमेटम एम है, राइट। नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन इंडेक्स। बेसिकली अभी ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर ब्राइबरी या फिर करप्शन यूनिवर्सिटीज के थ्रू किया जाता है, ब्राइब ली जाती है या फिर करप्शन किया जाता है, तो वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के अंदर आएगा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंदर आएगा, ठीक है। क्योंकि ब्राइबरी एंड करप्शन इनडायरेक्टली कम्स अंडर कि मतलब इनको हटाना है ना। तो अब हम देख लेते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन जो है वो एक्ट क्या है। तो ये 1988 में एक जो अधिनियम है, अधिनियम के थ्रू अपने पार्लियामेंट में ये पास हुआ था, ताकि हम करप्शन या फिर लोग करप्शन कम कर पाए या ओवरऑल इंडिया की टेरिटरी से हम करप्शन को खत्म कर पाए। इसमें जो है 2018 में जो है अमेंडमेंट भी हुआ, जिसमें पनिश किया गया ब्राइब गिवर और ब्राइब टेकर। भले ही ब्राइब मतलब आपने जो ऊपर ब्राइब एक तरीके से रिश्वत जो है वो भले ही आपने ली ना हो, दी हो, लेकिन यू आर ऑल्सो कमिटिंग अ क्राइम, राइट। दिस विल प्रोवाइड अ जेल टर्म ऑफ 3 to 7 years बिसाइड फाइन टू दोज कन्विक्टेड ऑफ टेकिंग और गिविंग ब्राइब टू पब्लिक ऑफिशियल्स। मतलब इस विधेयक में बेसिकली आपको 3 से 7 साल का जो है जेल का प्रावधान है और फाइन भी है जिसने ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का जो है क्राइम किया हो, राइट। दिस इज ऑल अबाउट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। उसके बाद एक न्यूज, एक सिटी न्यूज में आ रही है, त्रिपोली। ये कैपिटल सिटी है लीबिया की। लीबिया अगर आप देखें तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में ये लीबिया, और यहाँ पे आपका ये है त्रिपोली। ये बेसिकली अभी जो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में है, उसकी वजह से यहाँ पे इतना ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। लोग बेसिकली यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल आर डेली एज अर्नर्स, डेली वेज अर्नर्स थे यहाँ पे, है ना। और इतना टाइम का, इतने 2 months हो चुके हैं अराउंड, तो इतने मंथ्स का जो लॉकडाउन की वजह से बहुत ज्यादा इकोनॉमिक सिचुएशन, जो आर्थिक संकट आ चुका है, बिकॉज ऑफ दैट वहां त्रिपोली सिटी जो है, त्रिपोली कैपिटल सिटी ऑफ लीबिया जो है, पीपल्स आर प्रोटेस्टिंग, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ये जो बेसिकली एक थिंक टैंक है जो कि ये बताता है कि किस कंट्री में कितना टेररिज्म है, कितना टेररिज्म के संकेत हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसने इंडिया एक इनिशिएटिव है जो कि स्टार्ट क्या किया गया है, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया है। और इसने अभी जो रिसेंट रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है एनुअल ग्लोबल टेररिज्म of 2019, इसमें इंडिया को जो है 7th पोजीशन में रखा है। दिस इज ऑल अबाउट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारा नैनो माइक्रोबायल डिसइंफेक्टेंट। तो नैनो माइक्रोबायल डिसइंफेक्टेंट बेसिकली क्या है, तो ये एक तरीके से जैसे कि आपने देखा होगा कि ये जो वायरसेस हैं, हम उसको डिटॉल में या फिर सैनिटाइजर फ्री जो सैनिटाइज जो चीज़ें हैं या फिर इस टाइप के जो चीज मतलब लिक्विड है बेसिकली, जिसके थ्रू हम इन वायरसेस को अपने क्लॉथ पे या अपने हाथ पे कहीं पे भी लगा है उसको हटा रहे हैं, राइट। लेकिन नैनो माइक्रोबायल डिसइंफेक्टेंट बेसिकली क्या होगा कि एक तरीके से माइक्रोबायल जैसे टॉर्च नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल लाइटनिंग सोर्स होता है ना, तो वो लाइट एक बार ऐसे मारेंगे तो पूरे आपके जो माइक्रोबायल्स हैं या ये जो वायरस है ना, इस टाइप के जो नेगेटिव वायरस है जो कि नेगेटिविटी मतलब एक तरीके से हमारा नुकसान पहुंचाते हैं हमारे शरीर को, उनको जो है ये सीधा जो है उनको खत्म कर देगा, है ना। तो इसीलिए नैनो माइक्रोबायल डिसइंफेक्टेंट की बात की जा रही है। बोला जा रहा है कि अभी तक जो है वो सिल्वर और कुछ मेटल्स ही इस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सिल्वर और मेटल बहुत महंगा हो जाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा लो कॉस्ट बनाया जा रहा है जिसमें मेटल भी ना हो, मतलब सिल्वर मेटल ताकि ना हो, ताकि वो आपका सस्ता भी पड़े और आम जनता जो है उसे यूज भी कर पाए। दैट इज ऑल अबाउट नैनो माइक्रोबायल डिसइंफेक्टेंट, है ना। नैनो मतलब छोटा, माइक्रोबायल मींस वायरस या पेस्टिसाइड, इन सबको कीटनाशक को हटाना, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। तो चलिए आज हम अपना लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। इफ यू आर लाइकिंग इट तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, कोई भी इनिशिएटिव्स और चाहिए तो फिर बताइए, है ना। दैट इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।